फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो के लॉकडाउन के पीरियड में जब सब लोग घर पे हैं, तो इस समय जो सुबह का नाश्ता और खाना है ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है सबके लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता लाया है। देखा जाए तो ये अपने में एक कम्प्लीट नाश्ता है। सिर्फ ये जो आज मैंने पराठे बनाए हैं लच्छे वाले, ये अपने में ये कम्प्लीट है। इसके लिए आपको सिर्फ एक कप चाय, पराठा और अचार की ज़रूरत है। और अचार नहीं भी मिलेगा तो भी अपने में ये सफिशिएंट है। इसके साथ आपको कोई सब्ज़ी की चाहिए ही नहीं है। ये अपने में ये बहुत हेल्दी है, बच्चों से लेके बड़ों तक ये सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको इसकी लेयर्स चेक कराती हूँ। देख रहे हैं, ये देखिए, वाओ, कितना बेहतरीन पराठा है ये। चलिए तो शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। इसमें करीब दो पराठे का हमने एक कप आटा दिया है गेहूँ का। आप चाहें तो टोटल मैदा भी ले सकते हैं, चाहे तो आधा गेहूँ और आधा मैदा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको हेल्दी वो करने के लिए मैंने सिर्फ गेहूँ का ही आटा यूज़ किया है। आटे में 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। 1/4 से थोड़ा सा कम नमक, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हींग लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही हम इसका भी तैयार कर लेते हैं। हमारा देखिए ये बिल्कुल रेडी है, और इसको 10 से 20 मिनट हम छोड़ देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। 10 से 20 मिनट हमने इसे रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। इसको हल्का सा फिर से एक बार हम इस तरह से मुलायम कर लेंगे, और इसके बाद हम इसकी दो डो बना लेते हैं, और इनकी अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हम इस पर लगाते हैं आटा। सबसे पहले तो हम इसकी एक पूरी बड़ी सी नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं उस तरह हम इसकी बनाएंगे। घी इसे अच्छे से लगा देंगे। घी लगाने के बाद इससे पहले हम इधर से सेमी हाफ फोल्ड करेंगे, और फिर इधर से सेमी हाफ फोल्ड करेंगे। ये जो फोल्ड पोर्शन है इस पर भी हम अच्छे से घी लगा देंगे। ये वाला नीचे वाला फोल्ड हो गया था पहला फोल्ड, ऊपर हो गया दूसरा फोल्ड, ये हो गया हमारा तीसरा फोल्ड, और ये हो गया हमारा चौथा फोल्ड। ये चार फोल्ड आए हैं इसमें। एक इसका पराठा बनाएंगे। हम इसको बेल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये किनारे मोटा हो, बीच में पतला हो। और फिर से हम इस पर लगाएंगे घी, हाफ इधर हाफ इधर, और इधर भी घी अच्छे से लगेगा, हाफ इधर और हाफ इधर। ये देखिए लगाते हैं, और इसे फिर से पराठा इसका वैसे ही बना देंगे। पराठे देखिए हमारे बन रहे थे, इधर हमने गैस ऑन कर दी थी तवा चढ़ा करके कि वो गर्म होता रहे। अब हम इसे सेकना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नीचे से एक साइड हमारा हो गया था, स्पॉट आने लगा, हमने इसे पलट दिया। इसे दूसरे साइड भी पलट के अच्छे से घी लगा के सेक लेंगे। फोल्ड इनकी खुलना स्टार्ट हो रही है। स्पॉट आके अच्छे से सेकने तक हम इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे पूरा सेक लेंगे। ये पराठा सेक चुका है, और हम इनको अब निकालते हैं। बताऊंगी कि पराठे को भी प्लेट में निकालने का एक तरीका होता है। जब कभी आपको पराठा निकालना है, प्लेट के ऊपर इस तरह से एक बाउल रख दीजिए, और उसके ऊपर अपना पराठा रख दीजिए। तो पराठा नीचे ऊपर दोनों से आराम से ठंडा हो जाएगा, और साथ में नीचे का पराठा आपका गीला भी नहीं होगा, तो क्रिस्पीनेस उतना बरकरार भी रहेगा। इसी पर रखते हैं हम अपना दूसरा पराठा। आप इनको सर्व कीजिए, हमेशा पराठे को हाथ में दीजिए और पराठे को थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ये देखिए इसकी लेयर्स, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, है ना? तो मज़ा लीजिए इस बेहतरीन से लच्छेदार पराठे का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।